वृंदावन में हुआ था दो दो भगवान श्री कृष्ण का अवतार, ये असली सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। राधे राधे दोस्तों, और आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वो रहस्य जो आज 95% हिंदू कभी नहीं जान पाते कि कैसे द्वापर युग में वृंदावन में आए थे एक नहीं बल्कि दो दो श्री कृष्ण। दोस्तों ये बड़ा सच सिर्फ वृंदावन के रसिक आचार्य ही जानते हैं कि कैसे द्वापर युग में जन्माष्टमी के दिन ब्रज में रहस्यमय तरीके से दो श्री कृष्ण आए थे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जन्माष्टमी की रात श्री कृष्ण एक साथ दो जगहों पर प्रकट हुए। उन्होंने एक ही समय पर दो अलग अलग जगह अवतार लिया था। एक तरफ वो वृंदावन में यशोदा के पुत्र यशोदा नंदन के रूप में योग माया देवी के साथ प्रकट हुए थे, यानी नंद भवन में जन्माष्टमी की रात दो बालक जन्मे थे। योग माया और गोलोक स्वामी श्री कृष्ण इन यशोदा नंदन श्री कृष्ण की असली माता यशोदा ही हैं और इनके दो ही हाथ थे। वहीं दूसरी तरफ यही गोलोक से आने वाले श्री कृष्ण अपना विस्तार करके मथुरा में कंस की जेल में देवकी के सामने उनके पुत्र बनकर अवतार लेते हैं। ये थे देवकी नंदन श्री कृष्ण यानी गोलोक वाले श्री कृष्ण का ऐश्वर्य रूप। श्रीमद् भागवतम में साफ वर्णन है कि ये देवकी नंदन श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव जी के सामने चार भुजाओं शंख चक्र पद्म और गदा के साथ उन्हें अपना प्राकट्य दिखाया था। इसलिए ब्रजधाम के रसिक आचार्य आज भी ये कहते हैं कि कृष्ण मथुरा में प्रकट अवश्य हुए लेकिन उनका जन्म वृंदावन में हुआ। अब लोग ये सवाल करते हैं कि यदि वृंदावन में यशोदा जी ने दो बालकों को जन्म दिया गोलोक के श्री कृष्ण और देवी योग माया, तो जब वसुदेव जी देवकी नंदन श्री कृष्ण को यशोदा जी के पास छोड़कर उनकी योग माया कन्या को अपने साथ ले जाने आए थे तो उन्होंने उस दूसरे बालक और गोलोक स्वामी यशोदा नंदन श्री कृष्ण को क्यों नहीं देखा? तो उसके उत्तर में रसिक आचार्य बताते हैं कि देवी योग माया की शक्ति के प्रभाव के कारण वसुदेव जी को यशोदा के पास सिर्फ एक ही कन्या लेटी दिखाई दी, वो यशोदा नंदन श्री कृष्ण को देख ही नहीं सके। ऐसा योग माया ने गोलोक स्वामी श्री कृष्ण के आदेश पर ही किया था ताकि श्री कृष्ण की मानव लीला खराब ना हो। आम संसार की दृष्टि में एक ही श्री कृष्ण रहे, उन्होंने ब्रज में यशोदा के पुत्र के रूप में ये गुप्त अवतार भी लिया है, ऐसा किसी को पता ना चले। उन्होंने ब्रज में ये अवतार सिर्फ अपने ब्रजवासियों को प्रेम देने के लिए ही लिया था। जैसे ही वसुदेव ने देवकी नंदन श्री कृष्ण को यशोदा के पास लेटाया तो वो हमारे दो भुजाओं वाले गोलोक स्वामी यशोदा नंदन श्री कृष्ण में ही समा गए थे। और जब काफी सालों बाद श्री कृष्ण का वृंदावन छोड़कर जाने का समय आया तो श्री कृष्ण में समाये हुए ये देवकी नंदन श्री कृष्ण ही वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे। इन देवकी नंदन श्री कृष्ण ने ही आगे मथुरा द्वारका और महाभारत की लीलाएं की थी। असली यशोदा नंदन श्री कृष्ण ब्रज से एक पांव भी बाहर नहीं निकाल सकते थे, इसलिए वो ब्रज में ही रह गए पर ब्रजवासियों के सामने से अंतर ध्यान हो गए ताकि ब्रजवासियों और गोपियों के विरह और प्रेम को देखकर संसार प्रेम का अर्थ समझ सके, उनसे प्रेम करना सीख सके। इसलिए वृंदावन के सारे रसिक आज भी यही बताते हैं कि श्री कृष्ण ने वृंदावन से बाहर कभी एक इंच भी कदम नहीं रखा, वो वृंदावन में ही प्रकट हुए। यशोदा जी और नंद महाराज उनके असली माता पिता थे जो सदा से गोलोक में भी उनके माता पिता थे हैं और रहेंगे, और प्रभु वृंदावन में ही माधुर्य लीला करके वहीं से वापस गोलोक लौटे थे। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।